नवरात्र आज द्वितीय दिन में बारिपदा अधिष्ठात्री देवी माँ अंबिका देवी पीठ से नीति और परंपरा अनुसार पूजा अर्चना हो सकु माँ का महास्नान पर मंगल आरती सकाल धूप संपन्न होगापर साधारण दर्शन हो शारदीय पूजा अवसर में माँ अंबिका षोडश उपचार भित्तिक पूजा कर सकाल एवं सन्धार माँ का आरती दर्शन करने भक्तों भिड़ लगुच तेज कोविड कटक जो भक्तों भिड़ को नजर रखी एथर माँ का बेश करा माँ अंबिका देवी पीठ से एवं आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि कोरापुर सहर या माँ मोतियाल माँ मा तारिणी और कनक दुर्गा भाई शक्तिपीठ गुड़िक आरंभ हो नवरात्रि पूजा यही शक्तिपीठ गुड़ी रंग बेरंगर आलोकमाल सुसज्जित कराई सप्तमी टू नवम जाए तीन दिन धरी मातृशक्तिपीठ गुड़िक नवरत्र पूजा कराई तीन दिन गुड़िक संध्या समय आरती पर होम और तापर चंडीपाठ षोडश उपचार और चौसरी चुक्री नवकोटी कात्यायनी को आह्वान कर पूजा करपरिक पूजा मध्यरात्रि जाए चली था सका बाग और रात्र अन्नभोग तीन दिन गुड़िक मानसिक धारी माने उपवास व्रत पालन करथंदी एपरिक प्रमुख देवी पाठ गुड़िक सुखिला बली चढ़ाऊ प्रथा अच्छी कनक दुर्गा मंदिर पूजक कहते रणजित सिंह को हत्या मामलें डेरा सच्चा सौदार मुख्य गुरमित राम्स रहीम सिंह एवं अन्य पांच जन अभियुक्त दोषी सब्यस्त होती डेरा सच्चा सौदार मुख्य गुरमित राम रहीम समर्थक रणजित सिंह को 2002 जुलाई 10 तारीख में हत्या कर रणजित सिंह हत्या मामलें सीबीआई 2003 डिसेंबर 3 तारीख में एफआईआर रजिस्ट्री करथिला पिटीशन फाइल करथिले रणजित को पुत्र जगसिर चंदबाली ब्लॉक भाटापड़ा पंचायत उग्रतारा रघुनाथ जीव पटना गाँव में जन महिला को दुष्कर्म होता नहीं चंदबाली थाना अभियोग अभियोग पर घटनास्थल चंदबाली पुलिस पहुंच अभियुक्त को धरी थाना अटक रखी तदंत आरंभ कर महिला घर या बेले अभियुक्त जनक रात बलपूर्वक घर पशि दुष्कर्म करने धमक देते एने महिला जनक न्याय पर थाना द्वारस्त होगापर पुलिस अभियुक्त विद्याधर नायक को थाना अटक रखी तदंत आरंभ कर तेरे घटना घटवार चार दिन पर पीड़िता महिला जनक थाना दुष्कर्म अभियोग कर तदंतर विलंब होगा पुलिस एवं सबदिग तदंत आरंभ कर जेल गले स्टारसन बॉलीवुडर बादशाह शाहरुख खान को पुओ आर्यन खान को मिललानी बेल जेल गले मुंबईर जिला कोर्ट रे जमीन नहीं आज शुणाणी होई मुंबईर आर्थर रोड जेल गले आर्यन खान एनसीबी हेफाजत रु विचार विभाग हाजत जाइछंती आर्यन खान जेजे हॉस्पिटल रे आर्यन को कोविड टेस्ट और स्वास्थ्य परीक्षा होई शाहरुख खान को पुओ आर्यन खान को भाग्यर निष्पत्ति मुंबईर मजिस्ट्रेट नहीं सारिछंती आर्यन खान गत 7 दिन धरी एनसीबी हेफाजत अच्छा मुंबईर गोआ जावाक एक क्रूज जहाज में चलता ड्रग्स पार्टी में सामिल थी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्त कर अक्टोबर 2 शनिवार दिन एनसीबी गिरफ्त कर तबे गोआ अभिमुखे यात्रार क्रूज पार्टी को वर्णाट्य करने लगी आर्यन खान को आमंत्रण कर ड्रग्स कौन संपर्क नथिबा कथा गुरुवार दिन वकिल अदालत को कहते सरकार मते रोजगार दियो एहीपरि नारा नै बारिपदा रे युवा छात्र संघ भंजसेना पक्षरु हजार हजार युवक युवती मयूरभंज जिलापालक कार्यालय सम्मुखरे विक्षोभ प्रदर्शन करिछन्ती मयूरभंज जिले रे पर्यटन शिल्प ही एकमात्र रोजगार पंथा होइतिबा बेले सरकार पर्यटन क्षेत्र विकास पई कोनोसी पदक्षेप नेउ नाहंती मयूरभंज राज्य ओडिसा मिश्रण पर मयूरभंज जिला को सरकार सबबेले अनदेखा करुछन्ती आज मयूरभंज जिला एक पछुआ वर्ग जिला भाबे परिगणित हेउछि याको प्रतिवाद करि भंजसेना एहीपरि विक्षोभ प्रदर्शन करिछन्ती बोली कुवा जाइतिबा बेले आगामी दिन में यहीपरि आंदोलन को जोरदार कर सरकार को बाध्य भंजसेना पक्षर कह आम पृथ्वी एवं विश्व बलय मध्य कबलित जार प्रभाव में प्रत वर्ष बन्या बात्यापरि प्राकृतिक विपर्यर सम्मुखीन होनीष समय आसी आज आम समस्ते परेश प्रदूषण रोकवाई प्रचेषा करने दरकार महत्वपूर्ण उद्देश्य को साकार करने चिलिका उन्नयन करतृपक्ष पक्ष आर्द्रभूमि सुरक्षा सप्ताह पालन कर 10 तारिख पर्यंत यह पालन करवसर में खोर्धा जिला चिलिका बड़कुल स्थित चिलिका उन्नयन करतृपक्ष कार्यालय पक्षर स्वच्छ चिलिका अभियान वृक्षरोपण सह आर्द्रभूमि सुरक्षा उपरे एक आलोचना चक्र अनुष्ठित हो उक्त कार्यक्रम में चिलिका उन्नयन करतृपक्षर एसीएफ मीर कुमार जेना वरिष्ठ शिक्षाविद सुजाता प्रधान डॉक्टर कैलाश चंद्र महाराणा स्थानीय रेंजर अतिथि रूपे कार्यक्रम में जोग देते उक्त कार्यक्रम को संयोजना करते चिलिका उन्नयन करतृपक्षर अधिकारी मनोरंजन मिश्र लोकों जीवन सह खेल उछुला नदी में बेपरिया ढंग से होदी पारि चित्त कौन सी उपात अंचल नुहे यह बाल्यापाल घाटर दृश्य गत किदिन मंडली ठारे घटी दुर्घटना को ओडिशावासी भूली नथिबा बेले ए चित्र देखिले पुणी एक विपद को आह्वान कला भली लागुछि निर्वाचन आसिले पोलो निर्माण करिबार प्रतिश्रुति मिलिथाय निर्वाचन बैतणी पार हेला पर देइथिबा प्रतिश्रुति पानीर गारप पलटि जाय
ବାସୁଦେବପୁର ଓ ଚାନ୍ଦବାରୀ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ନା କିଛି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ନା କିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖଣ୍ଡିଏ ଦୌଡ଼ି ସାଜୁଛି ଭରସା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦେଶର ବହୁ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏ ଯାବତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 3.1 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଅନଶନ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଅନଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭ୍ରାଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ନିମ୍ନମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଅନଶନ କରାଇଛି। ସେହିପରି ମନ୍ଦିରରେ ସୁପ୍ରକାର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ସହ ରଥକଳାରେ ଥିବା ରଥକୁ ଖୋଲାଯାଇ ରଥକାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ସଂଘ। ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ସେବାୟତମାନେ ଅନଶନ ବାଟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ଏହା ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ କହିଛନ୍ତି।